नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है वेरी डेंजरस अमेजिंग वीडियो में। बिकॉज इस वीडियो में थारा भाई क्रिएशन फ्री फायर इंडिया ओबी 43 अपडेट 26 जनवरी में मिलने वाले फ्री रिवार्ड्स की जानकारी बताने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि आपको पता चली गया होगा, 26 जनवरी को फ्री फायर इंडिया आने वाला है, साथ ही में हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे भी है। समझ रहे हो ना, दो दो इवेंट का मजा एक ही दिन आने वाला है। तो 26 जनवरी के दिन कौन कौन से रिवार्ड हमें फ्री में मिलेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, क्या आपको पता चला ओबी 43 अपडेट में अलवारो प्लस फोल्ड कैरेक्टर की एबिलिटी में एडजस्टमेंट होने वाला है, साथ ही हुमर कैरेक्टर की एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं, और भी चेंजेस होने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट जैसे कि पोकर MP40 ब्रेक डांसर बंडल कब आएगा, अपकमिंग अपडेट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, आप लोगों के फनी कमेंट, बोले तो ये वाला वीडियो खतरनाक जस्ट लुकिंग लाइक वाव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं, आइए देख मजा आएगा। गाइस, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आपको M500 गन चलाना अच्छा लगता है? हाँ। क्या आप M500 गन से हेडशॉट मारते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई, जो जो बंदे M500 गन को चलाते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि ओबी 43 अपडेट के बाद M500 गन का डैमेज को सिंगल प्लस किया गया है। तो ओबी 43 अपडेट के बाद M500 गन का डैमेज कितना बढ़ा है वो चेक करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये देखो, यह है ओबी 42 अपडेट की क्लिप जिसमें मैंने बंदे को हेडशॉट मारा मीडियम रेंज में रहकर, तो डैमेज पड़ा 232 का और बॉडी शॉट पड़ा 50 का। सेम उसी जगह से ओबी 43 अपडेट में जब मैंने बंदे को डैमेज दिया तो हेडशॉट पड़ा 257 का और बॉडी शॉट पड़ा 50 का। उसके बाद मैंने ओबी 42 अपडेट की क्लिप में थोड़ा रेंज को बढ़ाया, तब हेडशॉट पड़ा 207 का और बॉडी शॉट पड़ा 50 का। देन ओबी 43 अपडेट की क्लिप में मैंने लॉन्ग रेंज की उसी जगह से जाकर के बंदे को डैमेज दिया, तब हेडशॉट पड़ा 231 का और बॉडी शॉट पड़ा 50 का। तो देखिए ना दोस्तों, इस तरह से M500 गन का डैमेज ओबी 43 अपडेट के बाद बढ़ाया जाने वाला है। तो जो जो बंदे M500 गन को चलाते हैं उनका रिएक्शन भी लाइक, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एंडियर वेपन्स की बात निकल ही चुकी है, तो ओबी 43 अपडेट के बाद किंग फिशर गन में एडजस्टमेंट होने वाला है। उसमें डैमेज को प्लस किया जाने वाला है, रेंज को सिंगल माइनस किया जाने वाला है। तो डैमेज को कितना बढ़ाया जाने वाला है चलो देख लेते हैं। तो ये है ओबी 42 की क्लिप जिसमें मैंने मीडियम रेंज में रह के बंदे को डैमेज दिया, तब हेडशॉट पड़ा 148 का और बॉडी शॉट पड़ा 27 का। वहीं ओबी 43 अपडेट में उसी पोजीशन में उसी जगह से रह के मैंने बंदे को हेडशॉट मारा, तो वो पड़ा 159 का और बॉडी शॉट पड़ा 29 का। तो इस तरह से हेडशॉट में प्लस 11 का डैमेज और बॉडी शॉट में प्लस 2 का डैमेज किंगफिशर गन में ओबी 43 अपडेट के बाद होने वाला है। गजब। एंड गाइस, क्या आपको पता चला ओबी 43 अपडेट के बाद एक नहीं 12 कैरेक्टर की एबिलिटी में फ्री फायर वाले चेंजेस करने वाले हैं? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है दोस्तों। तो ओबी 43 अपडेट के बाद इग्निस, होमर, उकोंग, क्रोनो इनकी एबिलिटी को फ्री फायर वाले बढ़ाने वाले हैं। तत्सुया, सोनिया, ओरियन, एंटोनियो इनकी एबिलिटी को कम करने वाले हैं। हाँ? साथ ही सेंटिनो, अलवारो, फोर्ड इनकी एबिलिटी में री एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और राइड एंड न्यू कैरेक्टर आने वाला है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, अलवारो प्लस फोर्ड इनकी एबिलिटी में क्या री एडजस्टमेंट होने वाला है ये अभी किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि इनमें जो चेंजेस होने वाला है ना वो हमें डायरेक्टली ओबी 43 अपडेट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, ओबी 43 अपडेट के बाद होमर कैरेक्टर वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि ओबी 43 अपडेट के बाद होमर कैरेक्टर में 4 चेंजेस होने वाले हैं। पहला चेंजेस ये है कि ओबी 43 अपडेट के बाद जब होमर कैरेक्टर का ड्रोन आगे वाले इनिमी से जाकर के टकराएगा तो एक्सप्लोजन ऑरा का जो रेंज है ना वो 4 मीटर से 5 मीटर होने वाला है, मतलब कि 1 मीटर बढ़ने वाला है। दूसरा चेंजेस ये है कि एक्सप्लोजन ऑरा में अगर कोई बंदा फायर करेगा तो उसकी गन का जो रेट ऑफ फायर है ना वो पहले 35% कम होता था लेकिन अब 40% कम हो जाएगा। तीसरा और सबसे अच्छा चेंजेस यह है कि पहले कूलडाउन टाइम 90 सेकंड रहता था लेकिन अब 60 सेकंड रहेगा, मतलब कि अगर आप सीएस गेम खेल रहे हो तो हर राउंड में आप लोग होमर कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना, होमर कैरेक्टर के द्वारा हर राउंड में आप लोग आगे वाले इनिमी की मूवमेंट स्पीड कम करवा सकते हो, साथ ही में 25 का डैमेज भी लगेगा, रेट ऑफ फायर भी कम होगा। और चौथा चेंजेस यह है कि मूवमेंट स्पीड पहले 60% कम होती थी लेकिन अब 40% कम होगी, लेकिन जो एक्सप्लोजन ऑरा का रेंज है वो 1 मीटर बढ़ गया है तो शायद उतना ही फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ओबी 43 अपडेट में होमर कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है। तो क्या आप लोग होमर कैरेक्टर को यूज करोगे या फिर नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
गाइज अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओबी 43 अपडेट के बाद फ्री फायर वाले नेक्स्टेरा मैप में इतना चेंजेस करने वाले हैं कि इसका नाम नेक्स्टेरा 2.0 रखने वाले हैं। अरे देवा। तो नेक्स्टेरा मैप का पहला चेंजेस ये होगा कि एमबी वाइज इसका साइज कम करने वाले हैं। ओबी 42 अपडेट में इसका साइज रहता था 60 से 70 एमबी के बीच, लेकिन ओबी 43 अपडेट में इसका साइज 35 से लेके 45 एमबी के बीच में रहेगा, और ये वेरी करेगा कि आपके पास कौन सा डिवाइस है उस हिसाब से इसका साइज रहने वाला है। दूसरा चेंजेस ये है कि जिपवे नाम की न्यू लोकेशन आने वाली है, ये तो आप लोगों ने विजिट कर ही लिया होगा। तीसरा चेंजेस ये है कि फार्म टोपिया के पास इस टाइप का हम लोगों को एक छोटी छोटी झोपड़ी देखने मिलती थी, तो झोपड़ी का साइज फ्री फायर वाले बड़ा करने वाले हैं, फार्म टोपिया के अंदर भी चेंज करने वाले हैं। और लास्ट चेंजेस ये है कि नेक्स्टेरा मैप की जिस लोकेशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ ग्रेविटी कहाँ गई, जी हाँ, ग्रेव लैब्स के अंदर भी फ्री फायर वाले चेंजेस करने वाले हैं। इस तरह से नेक्स्टेरा 2.0 ओबी 43 अपडेट के बाद 24 जनवरी को हमारे गेम में आने वाला है। चलो आओ यार, अब मैं आपको मेरे मीम के पिटारे से ऐसी मीम दिखाने वाला हूँ जिसे देख करके आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुन भाई, रिवाइव कर दे यार, मरने वाला हूँ यार। भाई प्लीज यार, गर्लफ्रेंड से बाद में बात कर लेना यार। भाई तो सुन रहा है ना, रिवाइव कर दे यार, प्लीज यार, मरने वाला हूँ यार। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। ये थी फ्री फायर की एनिमल 2 मूवी। इसे आप गेम में ट्राई कर सकते हो। जब आपका कोई दोस्त नॉक पड़ा रहे और आप उसको रिवाइव करने जाओ और वो बार बार आपको बोले भाई रिवाइव कर दे पहले, तो आप उसको उस समय बोलना मजाक में, सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं। तब देखना कितना मजा आएगा आपको। भाई तब बताओ ये वाली मीम आपको कैसी लगी। वीडियो में आगे बढ़े गाइस, उसके पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों ने आज पतंग उड़ाए या फिर नहीं उड़ाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे आप लोग इस बच्चे की तरह पतंग मत उड़ाना यार, ये देखो बेचारे का पेंट खसक गया है फिर भी ये उठा नहीं रहा है, इतना डेडिकेशन यार पतंग उड़ाने के लिए। भाई को सैल्यूट है मेरी तरफ से। बाय द वे, इस वीडियो को यार प्लीज लाइक कर दो, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक ठोक ही दो आज। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो आओ यार, अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक हमारे गेम में एम फॉर द हेड टू विन नाम का इवेंट आने वाला है, जिसमें हमें हेडशॉट का मिशन दिया जाएगा, जिसके बदले में हमें ये प्यारा वाला पैरासूट का स्किन मिलेगा। अगर ये आपके पास पहले से है या फिर इसे क्लेम नहीं करना चाहते तो आप 3 गोल्ड रॉयल वाउचर भी क्लेम कर सकते हो। एंड यार 16 जनवरी को हमारे गेम में 100% कंफर्म MP40 का रिंग इवेंट आने वाला है, जिसमें पोकर MP40 आएगी, मींस पीली लाल हरी नीली MP40 हम लोगों को उस दिन देखने मिलेगी। और यार जो स्ट्रीट्स रॉयल इवेंट पोस्टपोन हुआ था जिसमें ब्रेकडांसर बंडल आने वाला था, वो इवेंट भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी लीक मिली है कि OB43 अपडेट के पहले ये वाला इवेंट हमारे गेम में आ जाएगा। A few moments later. चलो आओ गाइस, फाइनली अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 26 जनवरी के दिन एग्जैक्टली हमें कौन कौन से रिवार्ड फ्री में मिलने वाले हैं। तो पहला रिवार्ड ये तो कंफर्म है कि इंडियन आर्मी की थीम पर बनी ये वाली जर्सी की स्किन 26 जनवरी के दिन हमें फ्री में मिलने वाली है। 24 जनवरी के दिन इसका फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। दूसरे रिवार्ड ये होंगे कि 26 जनवरी के दिन, क्योंकि 26 जनवरी के दिन फ्री फायर इंडिया आने वाला है, ये लगभग 90% कंफर्म हो ही चुका है, 10% इसलिए नहीं क्योंकि फ्री फायर वालों का कोई भरोसा नहीं है। बाय द वे, अगर 26 जनवरी को जैसे ही फ्री फायर इंडिया आ जाएगा हमें थाला इवेंट का ये वाला कैलेंडर देखने मिलेगा। हालांकि ये वाला कैलेंडर सितंबर का है लेकिन ये पोस्टपोन हो चुका है। जब 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया आने वाला था ना, ये सारे रिवार्ड हमें फ्री में मिलने वाले थे, लेकिन अब जैसे ही 26 जनवरी को फ्री फायर इंडिया आ जाएगा, ये वाले कैलेंडर को फ्री फायर वाले थोड़ा एडिट करेंगे, देन ऐसे रिवार्ड हमें देने वाले हैं। तो सबसे पहला इवेंट होगा जहां हमें थाला कैरेक्टर फ्री में मिलेगा, देन बाइक की स्किन फ्री में मिलेगी, देन रीयूनाइट विद फ्रेंड्स का इवेंट आएगा जिसमें 3 बंडल में से कोई एक बंडल चूज करने का मौका मिलेगा। तीसरा इवेंट होगा फ्री पेन एंड रूम कार्ड्स मिलेगा, जिसमें पेन की स्किन और रूम कार्ड मिलने वाला है। चौथे इवेंट का नाम होगा विन थाला हेलमेट, जिसमें हेलमेट की स्किन हमें फ्री में मिलेगी। इस तरह से देखिए ना, आपने 26 जनवरी के दिन फ्री में रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। और भी रिवार्ड्स के बारे में जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो यार, अब मैं आप लोगों के फनी कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो योगेश शर्मा ने कमेंट किए हैं, क्रिएशन भाई राइडन कैरेक्टर के लिए एक मीम है, इमली होती है खट्टी कि इमली होती है खट्टी, राइडन कैरेक्टर के मुंह पे जोसेफ कैरेक्टर ने कर दी टट्टी। तो यार बस इस वाले वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।